से फैसिलिटी दी गई है कि वो ट्रक्स की सूरत में उनको फैसिलिटी दी गई है कि वो बेवा औरतें बेसहारा कुंबे के जो पहाड़ों में अपने कैटल्स को भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं और उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है। हमने देखा कि मौसमी याला बारी और दूसरे हालात की वजह से बहुत सारे लोगों का माल मवेशी का जान का नुकसान हो जाता है, उसी का उजाला करने के लिए उन गरीब परवरों जो परिवार हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। और हम जानते हैं कि गुजर बकरवाल का जम्मू कश्मीर की जीडीपी में और नेशन की जीडीपी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस है। ये उनकी बदौलत ही हमें दूध मक्खन लस्सी और मटन ये फैसिलिटीज़ जो है नेशनल लेवल पे अवेलेबल हैं। और हमने देखा कि लास्ट टाइम जब उनके कुंभे जा रहे थे बेसहारा और याला बारी होने के की वजह से हज़ारों कुंभों की तमाम भेड़ बकरियां सारी ख़त्म हो, खाना बदोश इसलिए कहते हैं कि ये खाना का मतलब होता है घर और बदोश का मतलब होता है कंधा, कि कंधे पर ये पूरा लेके अपना घर ही चलते हैं, इनका कोई घर मकान नहीं होता है और इनकी सारी जायदाद इनकी भेड़ बकरियों में होती है। और ऐसे हालात जब आते हैं कि उनका सारा नुकसान हो जाता है तो सदियों तक उसकी भरपाई नहीं होती। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स और उनके साथ जितने भी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं कि इन गरीब परिवारों के लिए, इन गुजर बकरवालों के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव तारीख में पहली बार आया है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत मुबारकबाद। और इस चीज़ से हमारे ये गरीब परिवार जो डोकू में जा रहे हैं और ख़ासकर वो बेसहारा औरतें बेवा औरतें या यतीम बच्चे जो ये सफ़र नहीं कर पाते तो उनके लिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अप्रिशिएटेबल स्टेप है। हम सरी मस्तान गुजर फाउंडेशन ट्रस्ट से हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट इंतज़ामिया बिलखसूस एलजी साहब बिलखसूस जनाब शाहिद इकबाल चौधरी साहब का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये गुजर बकरवाल ये ट्राइबल लोगों के लिए ये फैसिलिटी रखी है और ये जो है ये मुफ्त में है, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जो ये लोग हमारे माल मवेशी लेकर जाते हैं भेड़ बकरी लेकर जाते हैं उनको बहुत बड़ी मुश्किल थी, हर किस्म के मौसम को वो बर्दाश्त करते थे। कई बार मौसम की ख़राबी की होने वजह से उनका हज़ारों रुपए का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता था तो उसकी भरपाई कहीं से नहीं होती थी। तो ये जो हमारे चौधरी शाहिद इकबाल साहब चौधरी साहब का हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जब से ये इस ट्राइबल सेक्टर बने हैं तो ट्राइबल में एक इनकलाब आ गया है। हम तहे दिल से सरी मस्तान फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये फैसिलिटी दी ताकि ये गरीब लोगों को सहारा मिल सके। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट महकमा ट्राइबल वेलफेयर की तरफ से जितना भी ये इनिशिएटिव दिया गया है, जितने भी कुंभा जात गुजर बकरवाल तकबा से ताल्लुक़ रखते हैं एस टी कुमारेडी से, उन सबको जो वाईएससी के लिए इस वक्त गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है हमारे आनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे आनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो इनिशिएटिव हैं वो बहुत ही गरीब आवाम के लिए बहुत नहायत ही उमदा हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी जगह इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया गया किसी भी अपने स्टेट में हो या किसी मुल्क में
ऐसे लोगों को माइग्रेट करना। आपने देखा कि जैसे हमारे बहुत सारे अहबाब ने पहले भी बता दिया कि जब भी झालाबारी होती है उसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो नुकसान हो जाता है, तो पहली बार गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा स्टेप है हमारी अलगी इंतज़ामिया का भी, हमारे खासकर डी साहब की हदायत के सारे का सारा प्रोग्राम जो था ये हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही सारा जो था इन गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करवाया। और आपने देखा कि जिन्हें आपने मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर हमारी गाड़ियाँ जो है वो चली गई, आपके इस मीडिया की मसादत से जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ जहाँ इस एरिया में रहती हैं, जिन जिनमें यहाँ से अपने घरों से छोड़कर ट्रकों में जाना है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि ये ट्रक जो फ्री ऑफ कास्ट मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर लगे हुए हैं, जैसे हमारा मैंडर में है, सुरनकोट में है और पुंछ में है और मंडी में है। मैंडर में हमारा जो है वो प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ SDM मैंडर है, और सुरनकोट का वो प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ SDM सुरनकोट है, और दूसरा जो पुंछ का है, पुंछ का प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ तहसीलदार हवेली है, और मंडी का जो है वो भी प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ तहसीलदार मंडी है। तो इस तरीके की अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंसर्न इन साहिबान के पास अपना करवाएं जिन जिन्होंने जाना है। उसमें मेरी गुजारिश है कि बाज़ मरतबा बहुत सारे लोग जो हैं वो एकदम आ जाते हैं कि हमने माइग्रेट करना है, तो वो फिर उसमें क्या होता है कि ट्रक की उतनी फैसिलिटीज़ जो है वो डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस तरीके से अगर वो एडवांस में हमारे पास अगर वो अपना वो पूरा प्रोग्राम बता देंगे हमें, तो उसमें माइग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी। हम दूसरी जगह जो ट्रक है वो भी यहाँ से मंगवा लेंगे और फिर उन लोगों को आसानी से माइग्रेट करवाएंगे। इनमें डेस्टिनेशन जो है वो हमारी यहाँ से पुंछ से लेकर पीर की गली, जहाँ तक भी उनको डोगों में जाना है, वो पुंछ से हों, मंडी से हों, मैंडर से हों, सुरनकोट से हों, बफलिया से हों, तो इसमें डिफरेंट डेस्टिनेशन जो पॉइंट मैंने आपको बताए से बताए गए हैं। तो मेरी आपकी मीडिया की वसाद से लोगों से यही गुजारिश रहेगी, वो अपने तहसीलदार साहिबान जो है उनसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ और फिर जाने के लिए वहीं से वो शेड्यूल बनेगा और वो अपना शेड्यूल के मुताबिक जो उनको डेटा दी जाएंगी, तो फिर वो उनको अपने रजिस्ट्रेशन तक वो छोड़ के आएंगे।